अरे दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार को। और आप अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। तो बुक टी के क्रम में ही हम आगे बढ़ते हैं और कुछ टॉपिक हैं उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जैसे अब जो रिमेनिंग टॉपिक है वो है आप जो रिमेनिंग टॉपिक है वो है अबाउट पीएच। तो आज हम बात करेंगे पीएच है क्या। तो पीएच को देखोगे ये है क्या, जो इसको इस कंसेप्ट को जो इन्होंने दिया था उनका नाम था SPL सोरेनसन ने। सोरेनसन जी ने दिया था 1909 में। और ये पीएच है होता क्या है, इसको निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी भी बोलते हैं। इसका मतलब जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके जो हाइड्रोजन आयन हैं उनकी एक्टिविटी क्या होगी, डाउन होगी। जैसे मैं बात करूं और इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आपको लॉग वन एच मीन्स ये जो लॉग की वैल्यू के ये निगेटिव लॉगरिथम मीन्स जब इसका निगेटिव मीन्स जब पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी इट मीन्स दैट हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आपके सॉइल सॉल्यूशन में वो कम है, तो इसको ये इंडिकेट करता है पीएच। और इसकी रेंज कितनी होती है पीएच की, अगर आप देखोगे रेंज कितनी होती है, 0 से 14 के बीच में ये स्केल होता है जो कि रेंज होती है। अब जैसे आपकी हम बात करें, कहते हैं ना कि दो कंडीशन तीन कंडीशन हो सकते हैं, आपका एसिडिक हो सकता है। तो एसिडिक कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो पीएच की वैल्यू होगी वो लेस देन 7 होगी। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकता है, आपका न्यूट्रल हो सकता है। तो ऐसे केस पे जो आपकी पीएच की वैल्यू होती है वो 7 होती है। और उसके बाद आपका बेसिक हो सकता है, उस कंडीशन पे आपकी जो वैल्यू होगी पीएच की वो ग्रेटर देन 7 होती है। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे पीएच जो है बढ़ रहा है इधर किससे इधर की तरफ, तो आपका हाइड्रोजन जो है आयन की ये जो वो कम होता जाता है। तो दैट्स वाई इसको कहते हैं निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी इन सॉइल सॉल्यूशन। और उसको जो मेजर करते हैं हम कैसे, पीएच के द्वारा। और इसकी जो रेंज होती है 0 से 14 के बीच में ये वैरी करता है। अब बात करते हैं हम पीएफ वैल्यू की। और इसको डिफाइन किया गया था डिफाइंड बाय इसको फील्ड ने 1935 में इसको डिफाइन किया। और ये क्या है, एक पीएफ जो वैल्यू है ये वाटर कंटेंट को इंडिकेट करती है, आपकी वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल को इंडिकेट करती है। अब एक्सप्रेस कैसे करते हैं, आपको देखोगे सेंटीमीटर ऑफ वाटर इसको एक्सप्रेस करते हैं। और जैसे वैल्यू इसकी कम होगी वाटर का कंटेंट सॉइल में ज़्यादा होगा। जैसे अगर हम बात करें सैचुरेटेड कंडीशन पे, देखोगे आप सैचुरेटेड सॉइल की कंडीशन पे जब आपके मैक्रो एंड माइक्रो ये जो पोर्स हैं फिल्ड विथ वाटर, उस केस पे आपकी जो ये पीएफ की वैल्यू होगी वो होगी 0। ठीक। और अगर यही हम बात करें फिल्ड कैपेसिटी पे, तो उस केस पे आपको देखोगे इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी 2.53। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे इसकी वैल्यू जो है आपकी 4.18। और अगर हम बात करें हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर आप देखोगे इसकी वैल्यू हो जाती है 4.50 हो जाती है। और जो हमारी ओवन ड्राई सॉयल होती है उस केस पे जो पीएफ वैल्यू होती है हमारी वो 7 होती है। तो आप देख रहे होगे जैसे जैसे जो है वैल्यू है बढ़ रही है आपका मॉइस्चर कंटेंट जो है क्या हो रहा है,
डाउन हो रहा है। तो ये एक निगेटिव लॉग है आपका, सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम दैट आर रिटेन इन द सॉयल, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है आपका, देखोगे सेंटीमीटर ऑफ वाटर इसको एक्सप्रेस करते हैं, और इवन इसको पीएफ वैल्यू को सॉयल मॉइस्चर टेंशन भी कह सकते हो, सॉयल मॉइस्चर टेंशन मीन्स द अमाउंट ऑफ द वर्क। सॉयल मॉइस्चर टेंशन का मतलब द अमाउंट ऑफ द वर्क डन मीन्स एक वाटर को मूव कराने के लिए द अमाउंट ऑफ सक्शन दैट आर नीडेड, उसको आप क्या कैसे एक्सप्रेस करते हो, सॉयल एज ए सॉयल मॉइस्चर टेंशन एक्सप्रेस करते हो। और आपकी जो इसको एक्सप्रेशन का जो यूनिट है, आप इसको या तो पास्कल और बार में ये वैल्यू होती है, मीन्स द अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द सक्शन दैट आर नीडेड फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वन प्लेस टू अदर प्लेस, जो अमाउंट ऑफ वर्क आप करोगे और फॉर दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट आर नीडेड उसको एक्सप्रेस करते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन। उसके बाद जो है पीई वैल्यू है, इसको पीई को क्या कह सकते हैं हम, आप रिडॉक्स पोटेंशियल बोलते हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल मीन्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैपेसिटी को ये इंडिकेट करता है, रिडॉक्स पोटेंशियल। कोई भी मान लीजिए एलिमेंट्स है उसका रिडॉक्स पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो अगर ये क्या है, आप देखोगे पी जो है ये आपका निगेटिव लॉग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, उसको ये इंडिकेट करता है पी। और अगर कोई मान लो सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसका मतलब वो मैक्सिमम उसका रिडक्शन हो चुका है, ठीक है। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन कम है, लेस है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद रखना, ऑक्सीडेशन मीन्स व्हेन एनी एलिमेंट विच रिलीज मीन्स इलेक्ट्रॉन, जब ये रिलीज करता है तो उसका इसका मतलब उस एलिमेंट्स का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जो एक्सेप्ट करता है इस इलेक्ट्रॉन को उसका रिडक्शन होता है, याद रखना, ठीक है। तो जो ये पी वैल्यू है ये क्या है आपका, रिडॉक्स पोटेंशियल ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैपेसिटी को इंडिकेट करता है। और इसको जो दिया था वो उन्होंने किए, इस पी कंसेप्ट को जो दिया है उन्होंने किसने दिया है, साइलेन ने, याद रखना। तो ये था डिफरेंट अबाउट द डिफरेंट टर्म्स लाइक पीएच, पीएफ एंड पीई, जो काफ़ी आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है और पूछा जाता है, और उसको मैंने कोशिश किया यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगा आपको, ये जो डाउट है क्लियर करने में। इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर न्यू हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना।